आज मैं लोटस टेंपल जा रही हूँ, जो दिल्ली के नेहरू प्लेस और कालका जी के मेट्रो स्टेशन के पास है। इसी के साथ मोनिकास डीआईवाई में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं। चलते चलते मैं आपको बता दूं, पानी के अलावा अंदर कोई भी खाने पीने की चीज नहीं ले जा सकते। हमारे पास भी जूस था जिसे हमें बाहर ही खत्म करना पड़ा, सिर्फ पानी ही ले जा सकते हैं। पूरा लैंड एरिया 26 एकड़ है, बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी और बहुत ही पीसफुल एरिया है। मंडे को ये टेंपल क्लोज होता है। हम लोटस टेंपल के पास पहुंच गए हैं। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है और वेल मेंटेन्ड है। और अभी हम सुबह 9 बजे पहुंचे हैं और बहुत से लोग आ जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिखता है। एंटर करते ही जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक एक कैरी बैग दिया जा रहा है, उसमें हमने अपने जूते उतारकर अपने पास ही रखना है। जैसे लोटस का फूल पानी में खिलता है, सेम उसी तरह से लोटस टेंपल के आसपास 9 पूल बने हुए हैं और इन पूलों में पानी का कलर बहुत ही सुंदर दिखता है। ये लोटस टेंपल के बाहर का सीन है। ये पेटल्स व्हाइट मार्बल में बनी हुई है और ऐसी पेटल्स 27 पेटल्स हैं। और ये टेंपल के अंदर छत का सीन है। फ्लोर से टॉप तक बिल्डिंग 35 मीटर ऊंची है और अंदर ऑडिटोरियम में बैठने का 1300 लोगों के बैठने का इंतजाम है और अंदर पूरी साइलेंस है। तो ये है बहाई हाउस ऑफ वर्शिप यानी लोटस टेंपल। इस टेंपल में कोई भी मूर्ति कोई तस्वीर नहीं है और अंदर चेयर्स लगी हुई हैं जहां पर बैठकर प्रेयर कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मोनिकास डीआईवाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मोनिकास डीआईवाई को देखते रहें।